सबसे ज्यादा क्वेश्चन मुझे पूछा जाता है कि मेरा चीका के साथ क्या रिलेशन है। हाय गाइस, ये हमारी मेरठ में आखिरी रात और अगले दिन हमें निकलना है धामपुर बिजनौर। देखो ये किसने किया, नेक्स्ट मॉर्निंग राइट बिफोर लीविंग फॉर धामपुर शी डज दिस टू हरसेल्फ। ऐसे मिलोगी नन्ना से? नहीं मिलूंगी। ऐसे मिलोगी ऐसे? ये आईब्रोज किसने लगाए बनवाई है? नन्ना से। नन्ना से बनवाई है। और मूछें किसने बनाई है? ये किसने बनाई मूछें? उसने, मामा ने। सो अब किट्टू चीका को क्लीन कर रहे हैं और फाइनली हम निकल रहे हैं धामपुर के लिए, जहाँ पे मेरी एक और मौसी रहती है और उनसे मिलने जा रहे हैं हम उनके घर पे। चीका को तो कभी भी वॉशरूम इमरजेंसी आ जाती है, तो एक बार फिर उसे वॉशरूम जाना था इसलिए हम यहाँ रुक गए। और ये जगह इतनी खूबसूरत निकली तो सोचा चलो यहाँ पे वीडियो शूट कर लिया जाए, और उसके चक्कर में हमने एक कॉफी भी ऑर्डर कर ली। सो ये एक रेस्टोरेंट है बहुत बड़ा और बहुत सुंदर सा। और फाइनली हमारी कॉफी आ गई है तो हम निकल रहे हैं यहाँ से। बाय द वे, कुछ लोगों को लगता है कि मैं चीका की बहन हूँ और कुछ लोगों को लगता है कि मैं उसकी मदर हूँ, क्योंकि मैं उसकी मदर और बहन दोनों के रोल्स प्ले करती हूँ अपनी वीडियोस में। वैसे मैं आपको एक तीसरा ऑप्शन भी दे देती हूँ, मैं चीका की मौसी भी तो हो सकती हूँ ना। सो टेल मी व्हाट डू यू थिंक आई एम, मैं चीका की मदर हूँ, मौसी हूँ या बहन हूँ? मुझे कमेंट्स में बताना ज़रूर। कभी कभी लोग बोलते हैं कि यार बिना फिल्टर के भी अपना चेहरा दिखाया करो, तो ये रहा मेरा चेहरा बिना फिल्टर के और बिना मेकअप के। महारानी पद्मावती वाली फीलिंग आ रही है यार, उन्होंने भी अपना चेहरा खिलजी को ऐसे ही मिरर में दिखाया था ना। सो ये एक डैम है जो मेरठ और धामपुर के बीच में आता है, और मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में धामपुर पहुँच कर। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।